पद चमोली में पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले भर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। शनिवार को न्यायालय भवन गोपेश्वर में प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज ने किया, साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहाँ जिला कारागार के बंदियों के बनाए कलाकृति को प्रदर्शित किया गया। जिला जज ने बंदियों के बनाए कलाकृति की सराहना की। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के तत्वाधान में चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दो अभियान चला रही है, जिसमें बंदियों और बाल सुधार गृह के बालकों के लिए हक हमारा भी तो है और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता और हर घर पहुँच अभियान 31 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक चलाया जा रहा है। इसमें कानूनी जागरूकता के साथ सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो कि हमारी एनुअल होती है और हर 2-3 महीने में एक बार हुई है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ साथ आज हमने यहाँ पे जो हमारा पैन इंडिया का कैंपेन चल रहा है 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, उसी के तहत हमको एक 9 तारीख में एग्जीबिशन का आयोजन करना था हेडक्वार्टर पर, जो हमने 9 तारीख को ना करके आज किया था। और हमारा एक शिविर लगा था 9 तारीख को जेल के बंदियों के लिए। तो आज हमारी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ पे प्रदर्शनी हुई है, उसमें तमाम हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है।